उन्नाव में आज एसपी ने सभी एसएचओ और सीओ के साथ क्राइम मीटिंग कर पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। करीब 4 घंटे तक चली इस क्राइम मीटिंग में एसपी ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले 4 थानेदारों को जमकर लताड़ लगाई, पेंच कसे। कार्यशैली में सुधार न करने वाले थानेदारों पर कार्रवाई की बात कही। एसपी आनंद कुलकर्णी ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सभी थानेदार और क्षेत्राधिकारी को भी अलर्ट मोड में रहने की बात कही। उन्नाव पुलिस लाइन सभागार में एसपी आनंद कुलकर्णी ने जनपद के सभी प्रभारियों के साथ मीटिंग की। करीब 4 घंटे चली इस मीटिंग में लचर कार्यशैली के थानादारों को जमकर फटकार लगाई। एसपी ने लंबित मामलों के जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही काफी समय से पेंडिंग चल रही विवेचनाओं को भी निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी थानादारों को अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। एसपी ने कहा, अगर इसके बाद भी अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिली तो थानेदार कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही एसपी ने यह भी कहा, आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों को देखते हुए क्षेत्रों के वांछितों को पाबंद किया जाए। राजनीतिक रंजिश वाले मामलों को पुलिस गंभीरता से निस्तारित करवाए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। एसपी ने IGRS पर आई शिकायतों को भी निस्तारित करने के निर्देश पारित किए। एसपी ने सभी क्षेत्राधिकारियों को अपने अपने थानादारों के कार्य का पर्यवेक्षण करते रहने का निर्देश दिया। मंथली क्राइम मीटिंग जो है वो पुलिस लाइन में की गई है और इसमें जनपद में अपराध की स्थिति का रिव्यू किया गया है। इसे पंचायत चुनाव के तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाने के बारे में सबको निर्देशित किया गया है। पूर्व में जो चिन्हित विवाद है उनका भी निस्तारण करके उनको जो भी ऐसे राजनीतिक रंजिश के मामले हैं उनमें संबंधित को पाबंद करने के बारे में जो है सभी को निर्देशित किया गया है। और एक जनरल प्रिपेयर्डनेस जो होता है थानों पे, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारियां होती है, इसके बारे में भी आज रिव्यू किया गया और सबको इसमें डायरेक्ट भी किया है कि इसमें पूरी तरह से तैयार हो जाए और आगामी जो चुनाव है उनको फेस करने के लिए अपनी तैयारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।